भैया गुंजन टूडे, गुंजन टूडे बोल के साथ एड हो जाएगी, साथ ही साथ बम्पर खस्सी जर्सी सेट ट्रॉफी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर और यहाँ पर स्कोर का नाम लेते हैं पावरफुल शॉट, लेकिन सरदार एफसी सभा का नहीं है सोरेन स्टार क्षमा चाले जो भी यूनिफॉर्म है कृपया आप यहां से ले जा सकते हैं। क्या जाएगा फाइनल खेल में तो फिर आप आए और आपका जो भी जादरी के तमदराम नेहरू शिक्षक भवन सटे कना सर को के जर पासवर्डिंग क्लब बाकुड़िया परसोगन सगदराम लासन रिपोर्ट आज ना तो सेफनल ना मुझे खेल करना चांदर का पाटा रे सासांग मेसा रिमिलों जैसी रे नुगुत को ही कना सिन्नाथ स्पोर्टिंग खेल को आज रिमिलोंग में सारा गार गार जैसी रे नुगुत को ही कना भीम स्पोर्टिंग सराय कना माठेर पूर्व प्रांते सिन्नाथ स्पोर्टिंग टेल को टीम में खिलवाड़ पश्चिम प्रांते मंचेर बाम पंखे भीम स्पोर्टिंग सराय कना अविनाश समरम बच्चा को नाम से उनको जाना जाता है। मौका बन सकता पद अर्जुन गोप के लिए दूर से लेकर शॉट थोड़ा सा सिन्हा स्पोर्टिंग टेल को टीम की अगर बात की जाए ये है मधुरुष मुर्मू। फिल्म से पहुंचे दर्शकों को परिचय दिला दो ये मधुरुष मुर्मू जो ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं आज हैट्रिक गोल भी इनका नाम रहा। तो सही टाइमिंग कर पाते तो बात बन जाता है। कोशिश में कोई खराबी नहीं था लेकिन बॉल को टाइमिंग नहीं कर पाए इतना मुश्किल है आखिरकार कौन सी टीम जीतेंगे लेकिन खेल बहुत ही लाजवाब होगा बहुत ही कमाल का होगा। चले में हमारे अतिथि सर एचडीपीओ श्री अजीत कुमार गुजूर सर से मैं निवेदन करना चाहूंगा। सर आप आ गए हैं आप अपने सुबह से ओडिशा टीम के मैनेजर को नए जर्सी देकर सम्मानित करेंगे। मौका बन सकती है यहाँ पर हालांकि धीरे धीरे आप सरायकेला अपने कब्जे में बॉल को लेता हुआ जेवराज शिपल सरायकेला टीम की खाड़ी खेले मौके की तलाश में यहां पर रंजीत मार्डी बॉल के साथ आगमन के कोश में मौका कुंजन टुडू के लिए अच्छी कटिंग लेफ्ट फुट शॉट लेकिन बॉल को ब्लॉक कर दिए गए दर्जी। दोनों टीम का डिफेंस लाइन काफी लेकर खेलना चाहेंगे तो निश्चित
जमने को नहीं पड़ता है, तो यहाँ एक स्कोर जरूर होनी चाहिए। और हुपना जी, मैं दोनों ही दल को देखकर ये सोच रहा था कि दोनों दल शुभकामना के पात्र है, क्योंकि दोनों ही दल सेमीफाइनल में जगह बनाई है, मगर हम जारपा स्पोर्टिंग की तरफ से तहे दिल से सरायकेला टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। आज उनका सबसे पहला मैच था और आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में टीम की बिलोंग करती है और सोचिए पहले से आकर अपना पहला मैच यहाँ पर खेला भी और सही टाइम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, अपने सफर में छोटे मोट बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, सरायकेला जीसी में कुछ बहुत सारे का आदत बन चुका है एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना। और ये आदत तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस इधर के हमारे लोकल क्षेत्र के जो टीम है खिलाड़ी है उनको भी इनको रेस्ट हमारे मेडिकल जोन में ही आपको मिल जाएगी। छोर में बदलाव के बाद क्या तकदीर में बदलाव ला पाएंगे ये देखना होगा। अब तक दोनों टीम की खिलाड़ी पर बोल रहे बराबरी पर खेल रहे हैं। सरायकेला जैसे तीन नदिया हेमराम देश में तीन पर खेल रहे हैं, टूर्नामेंट में इनके नाम दो गोल है। मधुरूस मुर्मू ग्यारह नंबर की खिलाड़ी टेलको टीम के लिए टूर्नामेंट में इनका चार गोल है। और कुंजन टुडू का व्यक्तिगत गोल की अगर बात कीजिए इनका भी दो गोल है। राम माडी भीम स्पोर्टिंग में सरायकेला टीम की खड़ी इन्होंने भी टूर्नामेंट में गोल मारे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों ही टीमों में अच्छे अच्छे स्कोर मौजूद है, गोल का स्वाद चल चुके गणेश जी, लेकिन सेमीफाइनल के दौर में क्या गोल दाग पाएंगे देखना होगा। और उसे भी आज सेमीफाइनल का पहला गोल के लिए आकर्षक इनाम भी है। जी बिल्कुल, जितने भी गोल हुए हैं दोनों दलों की ओर से कहा जाए तो सभी खिलाड़ियों का जो तालमेल है उसकी बदौलत ही गोल हुई है, क्योंकि बिना असिस्ट के आप गोल नहीं कर पाते हैं, जब अच्छे असिस्ट हो तो आप उनको गोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरत है एक गोल की। और अगर गोलों की अगर बात करें, अपना दोनों ही दल 25,000 की इनामी राशि में अपने नाम को अंकित कर लिया है। अगर एक स्कोर कर लेते हैं और मैच को जीत जाते हैं तो इसमें 15,000 की इनामी राशि और एड हो जाएगी, साथ ही साथ बम्पर खस्सी जर्सी सेट ट्रॉफी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर और यहाँ पर स्कोर का नाम लेते ही स्कोर हो चुका है अपना, सफलता हाथ लग चुकी है। डिफेंडर की अगर बात करें जब गोल को समझ नहीं पाए, गोलकीपर भी जितेन लोहार भी डिफेंडर के भरोसे में थे। ये गोल से आगे यहां पर श्रीनाथ स्पोर्टिंग टेलको टीम की खाड़ी, क्या भाई जिस समय में सरायकेला वापसी कर पाएंगे देखना होगा, का खतरा हो सकता है टेलको टीम के लिए। साहिल टुडू 10 नंबर के जर्सी में है और कुंजन आपका 9 नंबर के जर्सी में है। अच्छी शॉट, कमजोर शॉट पर अच्छे बचाव गोलकीपर मंगला मुर्मू का। साहिल जो है फिर से कुंजन टुडू मौके की तलाश में भाग, कुंजन भाग ये चिल्लाता हुआ लेकिन बॉल का बॉल के साथ आपका ज्यादा टच नहीं रहता है। विद बॉल रनिंग करना, विद बॉल प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है एक प्रवन पंथी खिलाड़ी के लिए। जितना बॉडी के नजदीक आप बॉल को रख पाएंगे उतनी आपके लिए फायदेमंद होता है। पावरफुल शॉट लेकिन परेशानी पर है, तो प्लीज आप उनसे जाकर संपर्क कर लें। शुभेन बास के कानी को लगे, आप प्लीज स्वास्थ्य शिविर पर जाए और अपने मित्र से संपर्क करें, आपके मित्र परेशानी पर है। चांस सरायकेला फुटबॉल टीम नदिया हमरम अपॉर्चुनिटी पर कुंजन टुडू ग्रांडेड पास पर मधुरूस मुर्मू रेटिन पास पर कुंजन गोराचंद माडी पावरफुल किक बट गुड स्टॉप बाय गोलकीपर जीतेन लोहार। जीतेन लोहार की अगर बात कीजिए भी नेशनल गोलकीपर है, लेकिन आज साहिल हेमराम साहिल टुडू युवा खिड़की का बॉल को समझ नहीं पाए, शॉटिंग तो लिए लेकिन क्रॉस। आप भी हमारे साथ बने हुए थे साथी कमेंटेटर के रूप में, सात गोल जो उनकी थी वो बहुत ही बेहतरीन थी और वहां से इन्होंने झारखंड में एक पासवान को बनाया। नारवा का ग्राउंड जो होता है कंपनी ग्राउंड में जो टूर्नामेंट का आयोजन होता है, लगातार दो साल गोराचंद माडी ने हाईएस्ट स्कोरर का अवार्ड ये अपने नाम के सीरीज को अपने नाम किए। शोभेन बास के
फिर से एक बार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जल्द से जल्द संपर्क करें। शोभिन बास के कानीकोला निवासी, आप जहाँ गए भी हो प्लीज स्वास्थ्य शिविर पर जाए, आपके मित्र काफी परेशानी पर है। चले मौके की तलाश में सराइक लेके खड़ी स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं पर गोरखन माड़ी अच्छी ग्राउंडेड पास शोटिंग लिए लेकिन अपने